हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेक ओवर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है लेग्स के हेयर रिमूवल से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो देखिए आज की वीडियो को हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना, ना ही स्किप करना। देख सकते हैं हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रखी है, और देखिए शेविंग के बाद कितना अच्छा रिजल्ट आया है। और शेविंग के पहले इनके हेयर जो है, ये इनके लेग जो है ऐसे दिख रहे थे। और इनकी जो हेयर ग्रोथ है वो 1 मंथ की है, और ये रेगुलर अपने हेयर्स को जो है वो शेविंग करती हैं घर पर ही, वैक्सिंग नहीं कराती हैं। तो ये 1 मंथ की हेयर ग्रोथ है, और एज है इनकी 26 ईयर्स ओल्ड। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैक्सिंग कर दिया था इनके हेयर्स को, और यहाँ पे हम करेंगे शेविंग, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी वैक्स थी, इन्होंने हैंड वैक्स किया था, तो वहाँ पे हमने नीचे पंजे में भी कर दिया था। तो हम यहाँ पे शेविंग करेंगे, क्योंकि हमने इनको सजेस्ट किया था कि मैम आप वैक्सिंग ही कीजिए, लेकिन इन्हें वैक्सिंग से डर लगता है, और ये काफ़ी हेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो जब भी आप अगर इतने लंबे हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं और वैक्सिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके पहले आप एक बार शेविंग कर लें, और जब छोटे छोटे बाल आने स्टार्ट हो जाए ना, तब जाके आप वैक्सिंग करवा लें। क्योंकि इतने लंबे हेयर्स में वैक्सिंग कराने पे बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, और फिर हेयर जो है ना वो काफ़ी कड़क है, जिसकी वजह से जो है ब्लड निकल सकता है हेयर पैरों से। तो क्योंकि मोटे बाल जब उखड़ते हैं तो ब्लड आने लगता है स्किन से, ठीक है। तो आप लोगों को पहले शेविंग कर लेना है, जब छोटे छोटे हेयर्स आने स्टार्ट हो तब जाके आपको वैक्स करना है। और जब एकदम छोटे छोटे हेयर्स आते हैं तो नहीं करना है, थोड़े से बड़े होने देना है, मीडियम साइज के। यानी कि जैसे इस हेयर की जो ग्रोथ है इसकी आधा होगी, तो ही आपको वैक्स करवाना है, तब जाके आपको थोड़ा सा कम पेन होगा। और वैक्स जो करनी है वो आपको रीका वैक्स करनी है, अदर वैक्स नहीं करनी है, क्योंकि इतने लंबे कड़क हेयर और छोटे हेयर में नॉर्मल वैक्स जो है वो अच्छे से हेयर्स को नहीं निकाल पाती है, ठीक है। तो आप लोगों को रीका वैक्स ही करना है। रीका वैक्स और नॉर्मल वैक्स जो होती है, हॉट वैक्स जो होती है, हनी वैक्स जैसे कि मैं हर एक वीडियो में करती हूँ, वो नॉर्मल वैक्स है, ठीक है। तो रीका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और गाइस, इस वीडियो में मैंने थोड़े से ओरिजिनल भी साउंड डाल रखे हुए हैं, तो क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करते कि मैम जब भी मैं हेयर कट की वीडियो डालती हूँ तो आप बोलते हैं सीज़र का आवाज़ आना चाहिए वीडियो में, और जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो आप कहते हैं थ्रेडिंग जो धागा चलता है उसकी आवाज़ आनी चाहिए, और जब मैं शेविंग करती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि शेविंग की आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि रियल आवाज़, जो रियल साउंड है वो आना चाहिए। तो मैंने बीच बीच में जो है रियल साउंड डाल रखे हैं, और मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाना भी था, इस वजह से मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा वॉइस ओवर किया है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने इनके हेयर्स को रिमूव कर दिया है। अब जो अदर साइड में है लेग के, उस साइड में, अंदर की साइड में, वहाँ पर हमने थोड़ा ओरिजिनल साउंड डाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ के हेयर्स को थोड़ा ज़्यादा मतलब पार्ट में निकाल दिया है, ताकि जब अब ये हम पीछे के हेयर्स को निकालें तो वो थोड़ा ही हेयर हो, और क्लाइंट को हम बहुत ज़्यादा देर तक पेट के बगल लेटा नहीं सकते हैं। तो जितना हमें दिखाई देता है कोशिश करना है उसे पूरा रिमूव कर लेना है ऐसे में, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तब जाके लेटा देना है। कौन से ब्लेड से आप घर पे बाल निकालते हो? रेजर। रेजर कौन सा? वो जो हाथ पकड़ने वाला जो रहता है वो? ऐसे ये छोटा वाला? वो छोटा वाला देखो। हाँ हाँ, गुलाबी कलर का रहता है ना। मतलब रिमूव करते टाइम कुछ लगाते हो या फिर ऐसी सोप?
तो देखिए अब हमारा आगे के साइड का जो है हेयर पूरा निकल चुका है एक लेग का, और अब देखिए हम दूसरे लेग की शेविंग करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। पहले हम आगे के हेयर्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद दोनों हेयर्स जो पैर के पीछे के हेयर हैं उन्हें हम एक साथ रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले इसे रिमूव करेंगे। तो देखिए अब हमने दूसरे लेग की शेविंग करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा कैमरा हमने शूट कर रखा था लेकिन वो कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था, तो इतना सा पार्ट जो है वो मिस हो गया हमसे। तो देख सकते हैं कितने ईजी तरीके से हमने इस हेयर को रिमूव कर दिया है। और गाइस जब भी हम रेज़र यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा रेज़र को प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से रेज़र चलाना है, नहीं तो स्किन में जलन होगी और हमारी स्किन जो है वो ब्लैक पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे डेड स्किन सेल्स के नीचे भी न्यू स्किन रहती है वो भी निकल जाती है, जिस वजह से जलन होती है और ब्लैक दिखाई देता है स्किन। तो देखिए अब हम यहाँ के हेयर्स को रिमूव करेंगे। तो हम क्लाइंट को पेट के बगल लेटा दिए हैं, अब हम यहाँ पे जेल लगाएंगे और उसके बाद शेविंग करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल वैक्स और रीका वैक्स में फ़र्क क्या है और क्यों हेयर ग्रोथ जो है रीका वैक्स से कम आती है एज़ कम्पेयर टू अदर वैक्स, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल जो वैक्स होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और जब हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन में ईजिली चिपक जाती है और हेयर्स को रिमूव कर देती है, ठीक। लेकिन रीका वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती, बहुत ज़्यादा चिपचिपी चिपकी हुई टाइप की होती है और वो हमारे स्किन पे जब लगती है तो बहुत जकड़ के पकड़ लेती है हमारे स्किन को, और जब हम स्ट्रिप से खींचते हैं ना तो जो हेयर चिपके होते हैं स्ट्रिप में वो जड़ से एकदम अंदर से जो है वो बाहर निकल जाते हैं खींच के। तो जो नॉर्मल वैक्स है वो थोड़ा सा धीरे से पकड़ी होती है स्किन को, तो इस वजह से हेयर जो है वो ऊपर से निकल जाते हैं और जो जो रीका वैक्स होती है वो अंदर से रिमूव कर देती है। तो यही फ़र्क है, और रीका वैक्स समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा चिपचिपी होती है कि उसको जब हम वैक्स करते हैं तो जो एक्सेस जो लगा होता है स्किन में हमारे वैक्स, तो नॉर्मल वैक्स का है, हम नॉर्मल वैक्स को वॉश कर लेते हैं या फिर गीले स्पंज की हेल्प से क्लीन कर लेते हैं, वो क्लीन हो जाती है। लेकिन रीका वैक्स जो है वो नहीं क्लीन होती है, उसे हमें ऑयल से रिमूव करना होता है, ठीक। तो ये रहा हमारा फ़र्क। तो अगर आप लोग हेयर ग्रोथ कम करना चाहते हैं तो आप लोग रीका वैक्स ज़रूर करवाएं। और शेविंग की बात रही तो शेविंग जो है हमारे स्किन के लिए तो अच्छी नहीं होती है, मैं शेविंग जो है वो सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि शेविंग से क्या होता है जो बाल है ना वो थोड़े कड़क आने लगते हैं, फेस के तो उतने नहीं आते लेकिन अदर बॉडी पार्ट्स पे जब हम रेज़र यूज़ करते हैं बार बार तो हमारे हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, इस वजह से शेविंग में थोड़ा सा कम प्रेफर करूँगी। लेकिन अभी ये क्लाइंट की डिमांड थी, इस वजह से हमें क्लाइंट के हिसाब से काम करना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं। क्लाइंट के लिए जो बेस्ट होगा ऑप्शन हम वही सजेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इनके हेयर जो है निकल चुके हैं और इनके लेग्स कितने ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे रहे हैं और इतने सारे हेयर्स रिमूव किए हमने, तो कितना अच्छा लग रहा है गाइस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे।